बाउंड्रीकरण कितना सही तरीका से किया गया है कि बाउंड्री करने के कुछ ही दिन के बाद जो कि यह बच्चा सब इसको धीरे धीरे खेलते खेलते तोड़ दिया। कहीं ना कहीं हाई नेशनल मटेरियल लगाया गया था जिससे जो कि बाउंड्रिया एक साल में ही टूट गया है। जब हमारा पैरवे टूट जाएगा तो लेंगड़ हो जाएंगे, तो छत कब ढह जाएगा इसके बारे में कौन जानता है। डर लगता ही है, हवा में बारिश होता है, ऊपर से बालू गिरता है। अब दूसरा ईटा को देख लीजिए, अब कब बच्चों के जो कि है माथा पे गिर जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या प्रखंड स्तर पे जो बीओ होते हैं, क्या वो लोग कभी नहीं आते हैं निरीक्षण? आते हैं। तो क्या वो लोग क्या बोलते? वो लोग भी देख के और लिख के लेके चले जाते सिर्फ हैं। लिखते हैं। जो दीवार जोड़ करके जिसको खड़ा किया गया है वो भी जो कि है अपना जो कि है कपड़ा नीचे उतार दिया है। बता दीजिए 18-20 साल से कभी इसका मरम्मती कार्य नहीं हुआ जी? नहीं। अब बताइए बिहार का भविष्य देखिए विद्यालय का। जो आगे हैट लगाया है टोपी, उसका टोपी का आगे जो मुखड़वा है ना वो गिर गया है। इससे कौन कौन डरता है छत गिरने से? अब देख लीजिए बस। जिस बिहार में आप विकास के लिए रुपया फंडिंग कर रहे हैं उस विद्यालय में आपके पैसा देने के बाद भी जो कि बीच वलिया लोग जो हैं उस पैसा को जैसे मीठा का गन्ना का रस चूस लिया जाता है वैसे चूस के खाली सीठी का काम किया जा रहा है सर। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला के नौतन प्रखंड क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय बनकटवा में हम लोग मौजूद है। और देख लीजिए, आइए आपको एक सच्चाई दिखाते हैं कि जिस सरकारी विद्यालय में बच्चे पढ़ना चाहते हैं वहाँ भवन जर्जर, और जिस सरकारी विद्यालय में भवन जो कि है सही है वहाँ बच्चा जो कि पढ़ना नहीं चाहता है। और दूसरा जो कि है सवाल, अभी तो हम ले चलेंगे आपको भवन के तरफ, लेकिन दूसरा मैं बात बता दूँ यहाँ पे कि इस पंचायत के पूर्व मुखिया जो है मंगलपुर पंचायत के अंतर्गत आता है सरकारी विद्यालय, इसके पूर्व मुखिया जो थे वो पूर्व मुखिया के द्वारा इस बाउंड्रीकरण का काम करवाया गया। अभी बता दीजिए कि बाउंड्रीकरण कितना सही तरीका से किया गया है कि बाउंड्री करने के कुछ ही दिन के बाद जो कि है बच्चा सब इसको धीरे धीरे खेलते खेलते तोड़ दिया। कहीं ना कहीं हाई नेशनल मटेरियल लगाया गया था जिससे जो कि बाउंड्रिया एक साल में ही टूट गया है। देखिए, यही सड़क है जो नौतन प्रखंड क्षेत्र से आता है, और नौतन प्रखंड क्षेत्र के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं वो सभी लोग इसी रास्ते से जाते हैं, लेकिन किसी आदमी को विद्यालय दिखाई नहीं देता है। आइए हम गेट की तरफ से इन कर रहे हैं, और इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय जी से परमिशन लेने के बाद ही हम लोग इस सरकारी विद्यालय में इन किए हैं, और पहले बात किए फिर आपको दिखाएंगे। कुछ दिन पहले अब किनके द्वारा भवन का निर्माण करवाया गया है कि भवन का छत जो है बिना जो कि है प्लास्टर कराए ही कुछ ही दिनों के अंदर में भवन जर्जर स्थिति पे है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चा सब जब उसमें पढ़ने के लिए जाता है तो जान जोखिम में लेकर के जाता है। आइए हम दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो हम शुरुआत कर देते हैं इनके पैर से ही। जब हमारा पैरवे टूट जाएगा तो लेंगड़ हो जाएंगे, तभी जो भवन है अभी सरकारी विद्यालय का इसका पैरे टूट गया है तो छत कब ढह जाएगा इसके बारे में कौन जानता है। अब आ जाइए, एक तो हम लो मटेरियल लगा के इस छत का ढलाई करवा दिए हैं, और दूसरे तरफ जो कि है इसमें बिल रखवा दिए हैं कि कुछ ही दिनों में छतवा जो कि है नीचे आ जाए। अब देख लीजिए, अंदाज़ा लगाइए, हम तो अब अंदर आए हैं, अब अंदाज़ा लगा दीजिए कि सभी कम से कम 50 परिवार के बच्चे इस विद्यालय में और इस जो कि एक क्लास में बैठे हुए हैं। कौन सा क्लास है बाबू? जोर से बोलो। चौथा क्लास है, यानी 4 क्लास है, और 4 क्लास का जो कि है स्थिति देख लीजिए। अब जब भवन नहीं है तो मास्टर लोग करे क्या, मजबूरन बस जो कि है इस भवन में इस बच्चों को बैठाना पड़ता है। देख लीजिए, दीवार भी टूट गया है, साथ साथ जो कि छत का सरिया दिख रहा है। अभी भवन कब गिर जाए, इसका छत कब गिर जाए कोई नहीं जानता है। आइए यहाँ मैडम इनसे हम बतियाते हैं। क्या नाम है जी आपका? मनोरमा प्रसाद। अच्छा, ये बताइए मैडम जी, आप लोग इसमें पढ़ाते हैं, डर नहीं लगता है? डर लगता ही है, हवा में बारिश होता है, ऊपर से बालू गिरता है, सब प्लास्टर झड़ता है, बहुत ही जर्जर रूम है सब। तो फिर जर्जर रूम में पढ़ाने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसे ही विद्यालय है, हमारा काम है पढ़ाना, तो हम अपना काम पढ़ाना करते हैं। दूसरा विद्यालय दूसरा नहीं है? हर क्लास में दो दो रूम क्लास चलता है। अच्छा, हर रूम क्लास तक है विद्यालय? 8 तक है। हाँ, चार ही रूम? हाँ, पहला दूसरा एक साथ, तीसरा चौथा एक साथ, पांचवा छठा एक साथ, और सातवा आठवा बड़ा क्लास है तो वो अलग बैठता है, नहीं तो सारे क्लास एक साथ बैठते हैं, और दो दो क्लास को एक साथ पढ़ाना पड़ता है। कितना दिन से आप हैं इसमें कर रहे? हम 10 साल से हैं। अच्छा, भवन का निर्माण कब हुआ था? भवन का निर्माण तो हमारे आने से पहले ही हो रखा है।
आने से पहले? हाँ, अच्छा हाँ। आपके आने के बाद भवन स्थिति इसी तरह है। हाँ। छत का स्थिति अब भवन है ही नहीं तो पढ़ाइएगा। हाँ, इसी में पढ़ाना है। यहाँ के जो भी शिक्षा पदाधिकारी हैं, जो आपके पश्चिमी चंपारण जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं या प्रखंड स्तर पे जो बीओ होते हैं, क्या वो लोग कभी नहीं आते हैं निरीक्षण? आते हैं, आते हैं। तो क्या वो लोग क्या बोलते? वो लोग भी देख के और लिख के लेके चले जाते हैं। सिर्फ लिखते हैं, करते नहीं है। ऐसे ही रहता है, उसके बाद आज तक कुछ नहीं। जितने बच्चे हैं ये भी बाढ़ प्रभावित इलाके से आते हैं। मंगलपुर पंचायत का कुछ ऐसा इलाका है जो बाढ़ प्रभावित इलाका है। अब बताइए, ये लोग बाढ़ के मार झेलने के बाद भी अभी बच्चे लोग जो कि यहाँ पे पढ़ने भी आने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि कब छतवा गिर जाएगा कोई नहीं जानता है। और जब गिरेगा कोई बच्चा के साथ में जो कि अनहोनी हो जाएगा, होना तो नहीं चाहिए मैं यही कहूंगा भगवान से, लेकिन अगर हो जाए तब पुलिस प्रशासन का लाइन लग जाएगा और जिला अधिकारी महोदय भी यहाँ पहुंच जाएंगे। और उनके साथ साथ जितने भी शिक्षा पदाधिकारी लोग हैं जो कि ब्लॉक से लेकर अनुमंडल से लेकर जिला तक बैठते हैं, उन लोग का लाइन लग जाएगा। लेकिन उससे पहले नहीं लगेगा कि एक बार आके देखे कि भवनवा का सुधार होना चाहिए कि नहीं। रोज आती हो पढ़ने? जी। छत गिरने का डर नहीं रहता? लगता है। कौन सा बच्चा है जो डरता है जी छत गिरने से? खड़ा हो जाओ तो थोड़ा। डरता है। कौन कौन डरता है छत गिरने से? अब देखिए, अब देख लीजिए, बस 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 अब देख लीजिए सर। अब तो हम पहला बार आए हैं इस विद्यालय में, जब हमने अंदाजा लगाने का प्रयास किया कि आखिरकार कितने ऐसे बच्चे हैं जो डरते हैं कि छत गिर जाएगा तो हम लोग मिस से दब जाएंगे। 35 गो बच्चा जो कि है खड़ा हो गया है, लगभग 50 गो बच्चा इसमें है। अब 15 गो बच्चा अगर रोज आएगा तो बिहार का भविष्य जो कि है अमेरिका के स्कूलों की तरह हो जाएगा, आप जान जाइए। 35 फेल और 15 रेगुलर, खाली भवन के चलते। छत गिरने का डर रहता है, बारिश बरसता है तो बारिश पानी चूता है हमें। पानी चूता है जी? हाँ। इधर से चूता है। कौन मना करता है कि विद्यालय में जाए? पापा मना करते हैं। पापा मम्मी मना करते हैं कि विद्यालय मत जाओ? ना। तो तुम क्या सोचती हो कि जाए कि नहीं? जाए जाए, लेकिन डरो रहता है कि छत नहीं गिर जाए। अब दिखाते चलिए, यहाँ देखिए किस प्रकार का ईंट यहाँ लगाया गया है, किस प्रकार से। अब दूसरा ईंटा को देख लीजिए, अब कब बच्चों के जो कि है माथा पे गिर जाए इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। ऐसे तो आप देखिएगा तो इस विद्यालय 3 रूम बना है, तीनों रूम में कोई रूम आपको सही नहीं दिखाएगा। सरिया का स्थिति देखिए आप। अब इस विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक हैं वो, हाँ बहुत बहुत नमस्कार सर। विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय बता रहे थे कि विद्यालय का जो भवन बना है वो काफ़ी गड़बड़ है। तो भवन का निर्माण कब हुआ था बता पाएंगे आप? हम तो आए 2006 में, उसके पहले ही बन चुका था। 2006 के भी पहले ही बन चुका था। अरे तो लगभग हमको लग रहा है 18-20 साल हो गया। जी 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 बिल्कुल, 18-20 साल से कभी इसका मरम्मती कार्य नहीं हुआ जी? नहीं। अब बताइए, अब बिहार का भविष्य देखिए विद्यालय का। अब यहीं से हम लोगों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पत्रकार बनना है। अब बताइए कि यहाँ अगर हम लोग इस भवन में पढ़ाई नहीं होगा, जब यहाँ बच्चे डर के मारे जो कि बढ़िया से नहीं पढ़ पाएंगे, तो कौन बच्चा इंजीनियर बनेगा, कौन कलेक्टर बनेगा, कौन एसपी, कौन डीएसपी बनेगा? सभी के सभी जो कि है जाके पंजाब में तगाड़ ढोएंगे, और नीतीश कुमार जी यही चाह रहे हैं। अब देख लीजिए, दिखाइए थोड़ा एक बार और ही, और सौर से फिर हम बतिया लेते हैं। ये कौन कौन सा क्लास चलता है सर इसमें? सर 1-2 ज्वाइंट चलता है। 1-2? हाँ, क्लास की कमी से तो एक साथ में आप लोग। हाँ जी। अच्छा, भवन ना होने के कारण से क्या क्या समस्याएं आप लोग के साथ होती है? सबसे पहले तो हम लोग जितना भी इसमें क्लास है, हर एक क्लास में 2 क्लास है, मैंने ज्वाइंट क्लास, भवन की कमी से। भवन की कमी से जी? अच्छा। अब भवन की जहाँ कमी है, बच्चे ज़्यादा हैं, उसमें एक ही शिक्षक आएंगे। हाँ। एक ही क्लास 2 क्लास को पढ़ाएंगे एक ही शिक्षक, थोड़ा सा अव्यवस्थित भी उसमें लगता है, अच्छा नहीं लगता है। भवन को लेकर के कभी आप लोग कहीं शिकायत किए? जी 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 बिल्कुल, ब्लॉक और अपना डीओ कार्यालय, डीओ कार्यालय तक कर दिया। जी जी जी, अभी तक कोई ना, इसके पहले विधायक जी भी आए थे, वो भी जो अपना विजिट किया, बोला जी आप लोग लिख करके दीजिए, हम इस पर पहल करते हैं। खाली लिखने के लिए बोला जाता है? हाँ, एक काम लगभग साल भर हो गया, साल भर करने के लिए कोई नहीं आया ना, इसमें कोई उसके बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विधायक जी का ना क्षेत्र है? जी जी, उन्हीं का क्षेत्र, उसके बाद नहीं है विधायक ना कोई। उसके साथ और समस्या कुछ बताइए जो भवन नहीं होने के कारण से हो रहा है अभी आप लोगों का? भवन नहीं होने के कारण से इसमें जितना देखते हो, आपके सामने बाउंड्री जो दिखाई दे रहा है, बाउंड्री अगर बना टूट गया, हम लोग जितना फूल पत्ती या जो है वातावरण शुद्ध करने के लिए सब लगाते हैं, सब यहाँ नुकसान हो जाता है। बाउंड्री कितना दिन पहले बना? ये अभी जो बरसात हुआ है ना, उसके पहले बना। हाँ। बरसात में 100 फीट ढह गया। हाँ, अभी इधर बाहर जाइएगा तो मिलेगा। 12 साल वाला का तो बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन साल वाला भी ढह गया। कौन बनवाया था ये? मनरेगा से बना था। मनरेगा से जी।
अब देखिए छतवा तो टूटिया गया है, लेकिन छतवा के नीचे जो ही बनाया गया है, जो दीवार जोड़ करके जिसको खड़ा किया गया है, वो भी जो कि है अपना जो कि है कपड़ा नीचे उतार दिया है। बता दीजिए, छत तो टूटिया रहा है, दीवार भी टूट रहा है। अब दूसरा चीज जो कि है, अब आइए थोड़ा तेजी में आ जाइए आप, ये तीसरा रूम है। अब आइए तेजी में एक और चीज आपको दिखा देते हैं। पूर्व मुखिया जी जो हैं, उनके द्वारा एगो इतना ना बड़ा उपलब्धि यहाँ किया गया है कि जिसका जिक्र जितना ही करेंगे उतना ही कम है। देख लीजिए, सर बोले कि साल भर पहले ही बाउंड्री हुआ, और साल भर के बाद जो कि है हम लोग इसमें फूल पत्ती लगाने का काम किए कि हमारे भी विद्यालय में अगर कोई मीडिया वाले आए तो हमारे विद्यालय का प्रशंसा करके जाएंगे तो शायद वो वीडियो को पूरा बिहार, पूरा चंपारण, पूरा देश देखेगा। लेकिन मुखिया जी के द्वारा एक इतना ना बड़ा उपलब्धि कर दिया गया कि अभी विद्यालय में घुसने के बाद में शर्म आता है। ये उपलब्धि देख लीजिए। और दूसरे तरफ एक और बात सुन लीजिए भैया, अभी कौन बनवाया है इतना ही बताएंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा छोटे छोटे बालक बालक बच्चे लोगों को पढ़ने के लिए आंगनबाड़ी का निर्माण करवाया गया था। अभी आंगनबाड़ी को देख लीजिए, पहले ही जो आगे हैट लगाया है टोपी, उसका टोपी का आगे जो मुखड़वा है ना वो गिर गया है इसे। अभी बताइए कि टोपिए जब गिर गया, अब यहां देख लीजिए गेट को लग रहा है जैसे मुंह से लेके भाग गया, ये भीतर आ जाए नहीं। अरे हमारे कैमरामैन डर रहा है कि कहीं भीतर घुसेंगे दबा जाएंगे तो कैसे हम इसमें निकल पाएंगे। अरे भैया बिहार के इतिहास को बदलना है तो मरेंगे चाहे जिएंगे बिहार के विषय में एक एक चीज को हम लोग दिखाते रहेंगे। आइए यहाँ अब देख लीजिए, यहाँ यही किचन के लिए शायद इसको तैयार किया गया था, अभी चारों तरफ से टूट गया है। यहाँ देख लीजिए अंगनाई बनवाया गया है, चारों तरफ से जंगल हो गया है, और ये जो कि है चारों तरफ से अब टूटने की कगार पर है। यहाँ का विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र और यहाँ का जो कि है बाउंड्री, तीनों का तीनों फेल है। तो एगो तो मुखिया जी बनवाए हैं तो हम बोल दिए, अभी आंगनबाड़ी केंद्र के बनवाया है इसके विषय में नहीं जानता हूं। तो जिला अधिकारी महोदय से मैं इस तीनों चीज को लेकर के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और जितने भी हमारे पश्चिमी चंपारण जिला के जुड़े हमारे भाई बंधु हैं, इस वीडियो को इतना तेजी से शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो को वायरल करें, ताकि जिला अधिकारी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री तक इस वीडियो को पहुंचाया जाए कि जिस बिहार में आप विकास के लिए रुपया फंडिंग कर रहे हैं, रुपया दे रहे हैं कि विकास हो, बच्चे पढ़े, बच्चे आगे बढ़े, उस विद्यालय में आपके पैसा देने के बाद भी जो कि बीच वलिया लोग जो हैं उस पैसा को जैसे मीठा का गन्ना का रस चूस लिया जाता है, वैसे चूस के खाली सीठी का काम किया जा रहा है सर। कहे कि यहाँ अगर गन्ना का रसवा लगाया गया रहता ना तो ये जो विद्यालय है ना चकचक हो गया रहता। तो किया जानते हैं क्या किया गया है, गन्ना काट के और रस चूस के उसका जो सीठी बचा है लो उसको यहाँ लगा के दिखा दिया गया खाली। खबर को शेयर करते रहे। जय हिंद, जय भारत, जय चंपारण।